दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सामने लेके आया हूँ पांच छह चीजें। मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखे, आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये चार पांच चीजें जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। 2023 में नया साल शुरू हुआ है और इसमें अपना आपको फिट रखने के लिए पांच चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सुबह में मॉर्निंग वॉकिंग करें और डेली आप योग करें और ये चीज़ें आप अपनी लाइफ से जोड़ के रखें। सेकंड चीज़, आप अपना नॉनवेज, जो ज़्यादा नॉनवेज खाने वाले हैं वो नॉनवेज अपना एक लिमिट, बट उसको लिमिट में कर दें, है ना। और जितना ज़्यादा, और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना है। हार्ट के पेशेंट तो बिल्कुल नहीं ले सकते इस चीज़ को, उनके लिए तो बिल्कुल ये मना है। और तीसरी चीज़ क्या है, इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पर आ जाएं। ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, सैलेड लें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइबर लें। फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा आप कंजप्शन करें, वो किसी भी तरह ले सकते हैं, आप अनाज भी ले सकते हैं, आप बाजरा की रोटी होती है और ब्राउन राइस होते हैं, टेबल ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, उनमें फाइबर ही फाइबर होता है, तो वो सब चीज़ें ले सकते हैं आप। फोर्थ क्या है, फोर्थ मैं अपने आप को रूटीन चेकअप पर आए। जो मंथली रूटीन चेकअप होता है उसमें सबसे पहले जो टेस्ट होता है वो लिपिड प्रोफाइल्स होता है। सीनियर सिटीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो यंग एज में लिपिड्स ज़्यादा फैट बढ़ रहा है, तो उनको भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो अपना मंथली चेकअप ज़रूर कराएं। मंथली नहीं, एटलीस्ट टू मंथ में अपने लिपिड प्रोफाइल, HbA1c और शुगर, ये तीन चार टेस्ट है ये तो ज़रूर कराएं, बिकॉज यही आजकल देखने को मिल भी रहे हैं, तो ये अपना रेगुलर कराते रहें मंथली या फिर दो महीने में, पर कराएं जरूर लिपिड प्रोफाइल। HbA1c क्या होता है, इसमें तीन महीने वाली शुगर का पता चलता है, जिसमें 5.5-6 करके रीडिंग आती है, तो उसमें मैं रिकमेंड करूँ, अगर आपका 6 से नीचे है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपका 6-6.5 आ रहा है तो मतलब आप डायबिटीज़ की ओर हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान करके चलें, तो मंथली चेकअप अपना कराते रहें, ठीक है। और लास्ट में, जो आजकल रिफाइंड आ रहे हैं, तरह तरह के रिफाइंड आजकल मार्केटों में अवेलेबल हैं, तो आप उसका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो आ रही है वो आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाने का काम करती है। अगर मैं बात करूं, अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई बॉडी को तो तेल की ज़रूरत है, हाँ मैं मानता हूँ बिल्कुल नीड है, बट उसमें क्या है, पीनट्स लेते हैं, पीनट्स में भी कुछ ग्राम ऑयल्स आ जाता है जो कि हमारे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर वो ज़्यादा लिमिट में हम लेंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है फिर, बिकॉज जो हार्ट पेशेंट होता है, हार्ट पेशेंट के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती ये चीज़ें, क्योंकि इसमें क्या है कि हार्ट जो होता है, जो ब्लॉकेज जो बनती है, CAD के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया, क्रोनिक आर्टरी डिजीज जो होती है वो क्या करती है, प्लेक बनाती है हमारी आर्टरीज के अंदर में, जिससे प्लेक क्यों बनता है, वही हमारी प्रॉपर सप्लाई को रोकता है, जो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशन आती है पेशेंट को, उसी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बनते हैं। और ये पांच चीज़ें मैंने आपको बताई, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर अपना 120-80 अपना रखना है, उससे ज़्यादा नहीं हो, अगर उससे ज़्यादा है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल भी चेंज लाएँ। और जो मैंने शुगर की बात करी थी, जो हीमोग्लोबिन, जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, उसमें 6.5 और 6 ये नॉर्मल मारी जाएगी। अगर आपकी 6.5 या 6 से ऊपर है तो वो डायबिटिक की ओर है। फास्टिंग की अगर बात करूँ, फास्टिंग आपका 110 से नीचे होना चाहिए, और PP जो होता है, PP आपका 140 से नीचे होना चाहिए, जो ब्लड शुगर पोस्टप्रेंडियल जिसको बोला जाता है। ये सब चीज़ अगर आपको चलेंगे तो इंडिया में तकरीबन जितने बीमारी दिखाई देने को पड़ती हैं तो इन बीमारियों से बच के रहेंगे। और यही बीमारी होती है जो स्टार्टिंग होती है, ये बीमारी नहीं होंगी तो सब कुछ अच्छा होगा, तो इंडिया में हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को जितना हो सके आगे फॉरवर्ड कीजिए, और छोटी थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। इस नए साल में ये 4-5 चीज़ आप अपनाएं और अपना आपको स्वस्थ रखें, हेल्दी रहें, और आप जंक फूड से बचें और स्मोकिंग छोड़ें, और अल्कोहल हैं तो अल्कोहल को छोड़ें। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपनी डेली रूटीन में आप चेंज करेंगे और बदलाव, थोड़ा बहुत बदलाव लेके आएंगे, तो आपको बीमारी से निजात मिलेगी और आपको बीमारी कभी आपके पास तक नहीं भटकेगी। तो ये सब चीज़ें आप अपनी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।